Om Shanti. गुरुवार के दिन 13/2/1964 का प्रातः क्लास चल रहा था. बारहवें पेज पर बात चल रही थी पतित दुनिया में पतित करने वाला कौन है. कौन है? कब से? द्वापर के याद से पतित दुनिया में पतित बनाने वाला रावण है. रावण की तो 10 ही सोते हैं, तो 200 शीश हैं द्वापर के आदि में, या कोई एक मुखिया है? हैं? अरे पतित दुनिया में पतित बनाने वाला आखिर है कौन? अगर कहें रावण है तो रावण की तो 10 मुख, तो 200 पतित बनाने वाले हैं या उनमें भी कोई मुखिया है? अरे अच्छा, रावण के 10 शीश कौन कौन हैं ये तो बता सकते हैं? कौन? पहला नंबर काम का आया ना, है? तो ये काम महाशत्रु है, जो पहला सिर है रावण का और सिरों के मुकाबले महाशत्रु है. ये बिख है ना, किसे कहते हैं बिख? काम विकार को बिख कहते हैं. माना नाम है काम विकार. काम माने कामना, कामना अच्छी भी होती है और कामना बुरी भी होती है. जो बुरी कामना होती है उसे कहते हैं विकार, विपरीत कामना. विपरीत कामना से विपरीत कार्य हो जाते हैं. तो विपरीत कामना क्या है? सतयुग त्रेता में क्या बिना कामना की संतान हो जाती है? कामना के बगैर सृष्टि चलती है? चलती है कि नहीं चलती है? हैं? नहीं चलती. हाँ नहीं चलती, लेकिन वहां कामना विकार विपरीत कार्य वाली नहीं होती है. जो उतरती कला हो जाए, हैं? उतरती कला माने है गिरना हो जाए. अच्छा, सतयुग आदि से नीचे नहीं गिरते हैं, है? 16 कला से नीचे गिरते गिरते 14 कला त्रेता में नहीं आती है? तो नीचे गिरे ना, तो क्या कहें? विपरीत कर्म कहें या न कहें? हैं? नहीं कहें. हाँ,
विपरीत कर्म इसलिए नहीं कहेंगे कि वहां श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान होती है। श्रेष्ठ इंद्रियां जो कार्य करती हैं उनका रिजल्ट धीरे धीरे आता है। कोई काम धीरे धीरे करना अच्छा है या हबड़ दबड़ में जल्दी जल्दी करना अच्छा होता है? हैं? धीरे धीरे करना अच्छा होता है। तो सतयुग आदि में श्रेष्ठ इंद्रियों से संतति उत्पन्न होती है, मन श्रेष्ठ इंद्रियों में कार्य होता है सृष्टि रचना का। और वो श्रेष्ठ इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें। तो इंद्रियां श्रेष्ठ हैं या इंद्रियों से भी श्रेष्ठ कोई और है? हैं? कौन है? इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन है। तो एकदम सतयुग आदि में कोई ने तो शुरुआत की होगी, है श्रेष्ठ उत्पत्ति की। जो श्रेष्ठ कामना है आत्मिक स्थिति में रह करके दृष्टि योग से कोई ने तो शुरुआत की होगी। किसने की है? अरे शुरुआत किसी ने की कि नहीं की? कौन से नारायण? सुनो नारायण ने शुरुआत की दृष्टि योग से है। हाँ, जो सतयुग में नारायण बनता है वो कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो आत्मा है वो 10 इंद्रियों से श्रेष्ठ है, 10 इंद्रियों पर भी कंट्रोल करने वाली है। क्या? मन 10 इंद्रियों पर कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? हैं? मन रूपी घोड़ा कहो बैल कहो कंट्रोल तो करता है। तो मन ने आंखों को कंट्रोल किया कब से? सतयुग आदि से। अच्छा, सतयुग आदि जो होता है जो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सतयुग के पहले नारायण जो दृष्टि योग से संतति पैदा करते हैं, उनकी जो कामना है आत्मिक स्थिति में रह करके श्रेष्ठ संसार की उत्पत्ति करना, यही कामना है। क्या क्या कामना है? राधा कृष्ण को देखती, कृष्ण राधा को देखता। इसमें कहीं व्यभिचार की बात आती है? हैं? दृष्टि योग से भी व्यभिचार वहां नहीं होता, इतनी कामना श्रेष्ठ होती है। जो 10 इंद्रियों में आंखें सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, उनको भी मन ने कंट्रोल किया। मन अर्थात कौन सी आत्मा ने? हैं? ब्रह्मा उर्फ कृष्ण उर्फ सतयुग का प्रथम नारायण ने कंट्रोल किया। अच्छा,
इससे भी कोई श्रेष्ठ सृष्टि होती है? हैं? कौन? पुरुषोत्तम संगम युग क्यों श्रेष्ठ है? सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वहां पतन नहीं होता। क्या चौथाई कला का भी पतन वहां नहीं होता? सत्युग में तो नीचे गिरने लगते हैं। दृष्टि योग से भी संतान उत्पत्ति हुई तो नीचे गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। लेकिन संगम युग में जो संगम युगी ब्राह्मणों की सृष्टि होती है, जिनके मुखिया कौन है? नर से जो डायरेक्ट नारायण बनते हैं। सतयुग का फर्स्ट नारायण नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनता, और संगम युग में जो नर से नारायण बनते हैं वो सारे विश्व के मालिक हैं। क्या सारे विश्व के मालिक? माना सतयुग का जो नारायण होगा फर्स्ट, उसके ऊपर भी उस विश्व के मालिक का कंट्रोल होगा या नहीं होगा? तो गीता में आया है कि इंद्रियां प्रबल हैं। क्या इंद्रियां बहुत प्रबल हैं? लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल पावरफुल मन है, और मन से भी ज्यादा पावरफुल है? मन से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? है? मन से भी ज्यादा पावरफुल, मन को भी कंट्रोल करने वाला कौन? बुद्धि। बुद्धि माने तीसरा नेत्र, जिसे कहते हैं त्रिनेत्री। त्रिनेत्री कब बनता है? त्रिनेत्री बनता ही तब है जब भगवान की दो आंखें जो कही जाती हैं, राम और कृष्ण। क्या तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो? किसने कहा? है? शिव बाप ने कहा, आत्माओं के बाप ने कहा, तुम बच्चे मेरी आंखों के नूर हो। तो कौन कौन आत्माएं हैं जो भगवान की भी आंखों के नूर हैं? राम और कृष्ण, जो संगम युग में ब्रह्मा और शंकर का पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा है मनरूपी घोड़ा, और शंकर है बुद्ध रूपी तीसरा नेत्र। तब है जब उसमें शिव प्रवेश है। तो बुद्धि से जो वाइब्रेशन तैयार होता है श्रीमत के अनुकूल, श्रेष्ठ वाइब्रेशन ब्राह्मणों का बनता है। उस ब्राह्मणों के वाइब्रेशन को बनाने वालों में पहला और सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? कोई होगा या नहीं होगा? जैसे दृष्टियोग से संतान पैदा करने वालों में सतयुग में कोई पहला नारायण है, ऐसे ही संगम युग में कौन है? जो बुद्धियोग से श्रेष्ठ वातावरण ऐसा बनाता है अव्यभिचारी। वाइब्रेशन भी कैसा है? व्यभिचारी वाइब्रेशन नहीं, वाइब्रेशन जानते हैं? वाइब्रेशन माना हर एक मनुष्य के संकल्पों की तरंगें उसके आसपास दौड़ती हैं।
तो वो संकल्पों की तरंगे ऐसी अभिविचारी हों कि एक शिव के अलावा और किसी की भी याद ना आए, एक शिव बाबा दूसरा कोई, ऐसी श्रेष्ठ वाइब्रेशन बनाने वाली आत्मा ऐसी ब्राह्मणों की सृष्टि तैयार करती है जो ब्राह्मण सो क्या कहे जाते हैं, ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। तो उस सृष्टि के भी कोई कायदे कानून होते होंगे या नहीं है? कायदे कानून होते हैं नहीं होते हैं? कायदे कानून जरूर होते हैं, और वो कायदे कानून जो हैं ऐसी सृष्टि बनाते हैं जिसमें उतरती कला का नाम निशान भी नहीं होता। लगातार चढ़ती कला, और वो चढ़ती कला जिसका रिजल्ट क्या होता है, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, यही जीवन का लक्ष्य बन जाता है। क्या है चढ़ती कला? से ऐसी चढ़ती कला जिसके बहाने सारी दुनिया का भला हो, ऐसे नहीं सिर्फ देवताओं का भला हो, सत्युग त्रेता की आत्माओं का भला हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धि वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, नास्तिक ही क्यों न हो, लेकिन सबका भला, ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसा पवित्र संकल्प बन जाए, उसको कहेंगे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दुनिया, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि कौन से युग में होती है, पुरुषोत्तम संगम युग में होती है। वो सृष्टि जब रची जाती है तो उस सृष्टि में जो रचना रची गई वो 5000 वर्ष की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ रचना, जिन्हें देवता कहा जाता है। असली देवताएं कौन हैं? सतयुग में जन्म लेने वाली असली देवताएं हैं या त्रेता में जन्म लेने वाले असली देवताएं हैं या 33 करोड़ जो द्वापर कलयुग में आत्माएं नीचे उतरती हैं, उतरती हैं कि नहीं? देवता कुल की आत्माएं द्वापर कलयुग में नहीं उतरती, उतरती है। तो वो अव्वल नंबर के ब्राह्मण हैं या संगम युग में ही वो अव्वल नंबर के ब्राह्मण होते हैं जिनका लक्ष्य हो जाता है क्या, तेरे बहाने सर्व काला भला, ऐसे मनमना भव हो जाते हैं। मनमना भव माने जो मेरे मन में, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने हो जा, किसके मन में हो जा है? अरे कौन कहता है मनमना भव? कहने वाला कौन है? कोई एक आत्मा है या 500 करोड़ों में से जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा है वो है, है? एक ही आत्मा है जो ये लक्ष्य देती है क्या, मत मना भव, क्या मेरे मन में समा जा, अर्थात जो मेरे मन में संकल्प है वो ही क्या तेरे मन में संकल्प हो जाए। क्या है मेरे मन में संकल्प?
जो ऊंचे से ऊंचा करतार है, ऊंचे से ऊंची आत्मा है, उसके मन में क्या संकल्प, और उसका मन कौन है? है? कौन है मन? ब्रह्मा। अच्छा, अब ब्रह्म राम वाली आत्मा मन है? हाँ, कुछ भी बता दो। अरे बताने से मतलब कुछ न कुछ तो सही निकल आएगा। है कौन अमर? अरे मन कौन है? अरे आत्मा की भी तीन शक्तियां होती हैं, मन बुद्धि संस्कार। तो जो शिव है वो भी तो आत्मा है। आत्मा है या नहीं है? हाँ, तो उस आत्मा का भी मन बुद्धि और संस्कार होता है या नहीं होता है? होता है, है? अच्छा, परम धाम में जब वो आत्मा होती है, सुप्रीम सोल, तब उसका मन होता है? है? तब नहीं होता, तब तो वो अमन है। मन कब होता है? जब इस सृष्टि पर आता है तो तीन शक्तियों के साथ, तीन मूर्तियों के साथ आता है। मन रूपी मूर्ति भी होती है क्या? जिसे घोड़ा कहो, बैल का रूप भी दे दिया है, दिया है ना? शंकर एक मूर्ति वो है, और तीसरी मूर्ति विष्णु। तो मन मना भव अगर कहें तो वो किस समय की बात है? अभी की बात है, अभी की बात है, है? साकार में, साकार की आत्मा में शिव की आत्मा आती है, वो तो अमन है, है? शिव की आत्मा वो अमन है या मन है? वो तो अमन है ही नहीं है। राम वाली आत्मा जिसमें शिव काम करता है, मुकर्र रूप से प्रवेश करता है, तो उसमें मन होता है या नहीं होता है? ब्रह्मा नहीं होता है? ब्रह्मा रूपी मन होता है या नहीं होता? होता है। और वो ब्रह्मा रूपी मन जो है वो श्रीमत पर चलने वाला 100% आत्मा है या बनेगी? है? बनेगी, अभी तो नहीं है, अभी है। 100% संपूर्ण अवस्था वाला, संपूर्ण श्रीमत पर चलने वाला मन अभी कहें? हैं? अभी कैसे कहेंगे? अभी तो वो आत्मा, उसकी बुद्धि में ये ही नहीं बैठ रहा है कि गीता का भगवान कृष्ण है या गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। तो जो असली सच्चाई ही बुद्धि में नहीं बैठी, तो वो आत्मा संपूर्ण कहें? हैं? संपूर्ण मन है? नहीं है। संपूर्ण मन तो तभी होता है जब बुद्धि का मन के ऊपर पूरा क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो क्या कहें? शंकर ने बैल के ऊपर सवारी की है या नहीं की है? है? नहीं की है।
नहीं की है, इसका प्रूफ क्या है? हाँ, अभी तो वो आत्मा अपनी अलग दपली बजा रही है। क्या अभी उस आत्मा की बुद्धि में अभिविचारी स्टेज वाला भगवान का प्रैक्टिकल रूप क्या होता है वो बुद्धि में नहीं बैठा है, या तो कभी बैठता है और कभी कभी नहीं बैठता है, संपूर्ण रूप से नहीं बैठा। तो जब संपूर्ण रूप से बैठा ही नहीं तो मन कुलाचे भरेगा जैसे घोड़ा, अगर उसकी लगाम कसी हुई न हो तो क्या करता है, चाहे जिधर उधर उधर गड्ढे में जाएगा, ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो गया। तो किसको कंट्रोल से बाहर करता है वो मन रूपी घोड़ा? किसी को सबसे ज्यादा कंट्रोल से बाहर करता है या नहीं करता है, है? किसको? राम वाली आत्मा को। राम वाली आत्मा को अगर सबसे जास्ती कंट्रोल से बाहर कर देता है तो किस बात में करता होगा? अरे गीता के भगवान और राम वाली आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा है, है? अरे बैल के रूप में दिखाया जाता है, घोड़े के रूप में दिखाया जाता है, तो जानवर बुद्धि है या मानवीय बुद्धि है? जानवर बुद्धि। और राम वाली आत्मा मानवीय बुद्धि है। तो मानवीय बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है या जानवर बुद्धि श्रेष्ठ? मानवीय बुद्धि श्रेष्ठ। श्रेष्ठ तो है लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो जाता है, है? मनरूपी ब्रह्मा का कंट्रोल हो जाता है। तो किस बात में सबसे जास्ती कंट्रोल करता होगा? ज्ञान में। अज्ञानी बनाए देता है, राम वाली आत्मा को ब्रह्मा वाली आत्मा अज्ञानी बनाई देती है, है? टाइम है? हाँ, जो बताया ये काम महाशत्रु है बच्चे, क्या बोला? ये काम महाशत्रु है, बिख है ना, बिख काय को कहा जाता है, हैं? बिख माने क्या है? माना सत्युग त्रेता में बिख होता है, है? होता है कि नहीं? द्वापर कलयुग में है बिख होता है, सत्युग त्रेता में क्यों नहीं होता? अगर होता नहीं है तो नीचे क्यों गिरते? कलाएं कम क्यों होती हैं? है? कलाएं कम इसलिए होती हैं कि वहां धीमी गति से क्षरण होता है इंद्रियों का, और द्व्यापार युग से है इंद्रियों का क्षरण तीव्र गति से होता है। सत्युग त्रेता में ज्ञान इंद्रियां काम करती है, श्रेष्ठ इंद्रियां, और द्वापर कलयुग में भ्रष्ट इंद्रियां काम करती है। तो भ्रष्ट इंद्रियों का काम क्या है और श्रेष्ठ इंद्रियों का काम क्या है? सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ इंद्रियां अभिविचारी होती है, और द्वापर कलयुग में वो श्रेष्ठ इंद्रियां भी अभिविचारी हो जाती है। इब्राहिम ऊपर से आता है
तो क्या करता है पहले पहले है, दृष्टि को व्यभिचारी बनाता है या नहीं बनाता है? है, बनाता है। इसकी शूटिंग भी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में पहले पहले होती होगी या नहीं होती होगी? है, इस्लाम धर्म की जो भी आधारभूत आत्माएं होंगी उनके द्वारा वो व्यभिचार जरूर पैदा कर देगा। कौन सी इंद्रिय में पहले पहले व्यभिचार पैदा करेगा? आंखों में। भले मुरली में बाबा ने बताया है कि शिव बाबा तो एक एक को बैठ करके दृष्टि देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे कि करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के परिवार में ये परंपरा शिव बाबा ने शुरू कर दी डायरेक्शन दे करके कि तुम बच्चे भी सबको दृष्टि दे करके दृष्टि से सृष्टि सुधारने का काम कर सकते हो। क्या बाबा ने कोई मुरली में डायरेक्शन दिया? नहीं दिया। तो फिर ये डायरेक्शन कहां से शुरू हो गया है? हाँ, जो इस्लाम धर्म की आधार मूर्ति या बीज रूप आत्माएं हैं वहां से ये पतन शुरू हुआ। शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड में होता है तो ब्रॉड ड्रामा में भी द्वापर युग से इब्राहिम की सोल प्रवेश करती है तो पहले पहले क्या करती है? जो देवात्माएं हैं उनकी दृष्टि को क्या कर देती है? व्यभिचारी बना देती है। तो भले ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों को भी द्वापर में क्या बनाई दिया है? रावण के पहले मुख ने क्या बनाया है? विभिचारी बनाया। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में वो ज्ञान इंद्रियां क्षरित नहीं होती थी। क्षरित माने नीचे गिरना, शक्ति क्षीण नहीं होती थी। सतयुग त्रेता में भी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती थी लेकिन इंद्रियां व्यभिचारी नहीं थी। जो बताया कृष्ण की दृष्टि राधा में ही और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी। तो पतन का युग तो चारों युग हो गए पतन के युग। आत्मा सुख भोगती है इंद्रियों से और सुख भोगते भोगते नीचे गिरती है। हां, सतयुग त्रेता में नीचे गिरना धीरे धीरे होता है और द्वापर कलयुग में है तीव्र गति से होता है। तो द्वापर युग में तीव्र गति से क्यों होता है? वहां व्यभिचार आ जाता है। इसी व्यभिचार को विख कहा है। क्या विख माना? विख माना क्या? स्त्री पर पुरुष के साथ कोई भी इंद्रिय से संसर्ग संपर्क संबंध जोड़ ले तो क्या हुआ है? हाँ, विषयी हो गई, विषय वासना ने प्रवेश कर लिया, विख खा लिया। विष खा लेते हैं तो क्या होता है? कोई विष खा लेता है, स्थूल विष भी खा लेता है, हद का विष खा लेता है तो रिजल्ट क्या होता है? है? उसका रिजल्ट होता है ना, क्या होता है? कोई विष खा लेता है तो मर जाता है। क्या
क्या होता है? मर जाता है। मर जाता है माने आत्मा मर जाती है कि देह से मर जाता है? देह से मर जाता है। वो तो हद की बात हुई। और यहां यहां अगर कोई व्यभिचारी बनता है, चाहे आंखों से भी भले, श्रेष्ठ इंद्रियों से भले या भ्रष्ट इंद्रियों से भी भले व्यभिचारी बनता है, तो वो विष धीरे धीरे काम करता है कि नहीं है? काम करते करते उसका नशा बढ़ते बढ़ते आखिर खलास हो जाता है। तो यहां भी ऐसे ही है। ब्राह्मण परिवार में आकर के कोई से आंखें लड़ाई तो क्या रिजल्ट होता है? हैं? ज्ञान में से टूट पड़ते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाती। बाप के ऊपर से निश्चय टूट पड़ता है। बाप भगवान के ऊपर से निश्चय टूट गया तो बच्चा बना या मर गया? बच्चा मर गया। तो जो ये 5000 वर्ष की सृष्टि का पहला पहला रोल है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो दुनिया है, ब्राह्मणों की पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया, उसमें फाइनल स्टेज में जब वो दुनिया की स्थापना हो जाएगी, वहां ये विख होगा या नहीं होगा? है? वहां ये विख, विविचार की विषय वासना उस दुनिया में नहीं होगी। जब विविचार की विषय वासना ही नहीं होगी तो विख से पैदाइश होगी? है? विख से पैदाइश ही नहीं होगी तो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे? हैं? फिर नहीं बनेंगे। अभी अभी क्या होता है? आज निश्चय है, बाप आया हुआ है। निश्चय होता है कि नहीं? बाप आया हुआ है। कल किसी ने कुछ कह दिया, अरे यहां तो ऐसा ऐसा होता है, यहां तो वैसा वैसा होता है, फिर रिजल्ट क्या होता है? हैं? हाँ, अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। खुद भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं और अपने कंट्रोल में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण परिवार की हो चाहे लौकिक परिवार की हो, उनको भी नीचे गिराना शुरू कर देते। तो ये दिख है, दिख से ये संसार द्वापर युग से बनता है। क्या? भगवान आकर के जो दुनिया पैदा करते हैं उस दुनिया में विविचार का नाम निशान नहीं होता। वाइब्रेशन मात्र से भी विविचारी वाइब्रेशन नहीं होंगे। क्या वाइब्रेशन होंगे? जो बाप का संकल्प वो बच्चों का संकल्प। बाप का क्या संकल्प? बाप का क्या संकल्प? बाप जब इस सृष्टि पर आता है, त्रिमूर्ति में आता है, तो क्या संकल्प लेकर के आता है? कुछ करना है कि नहीं करना है? ऐसे ही चला आता है? अरे कोई लक्ष्य लेकर आता है? क्या लक्ष्य लेकर आता है? हाँ, स्व ग आत्मिक स्थिति में 100% स्थित हो जाए। क्या आत्मिक स्थिति? माने बिंदु, न अपनी देह याद रहे, न दूसरों की देह याद रहे, न देह के पदार्थ याद आए, खाने पीने रहने के। क्या संबंधी भी याद ना है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा दो शब्द क्यों कह दिए?
शिव कह देते, एक शिव दूसरा ना कोई। मन संकल्प तब ही करेगा जब आत्मा साकार में हो। अगर आत्मा का साकार शरीर नहीं है तो मन संकल्प भी नहीं कर, ना अच्छा और ना बुरा। तो जो मन मना भव की बात है वो तब पैदा होती है और संपूर्ण एक्ट में तब आती है जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ जाता है। फाउंडेशन पड़ जाता है कि नई दुनिया स्थापन हो जाती है, है? फाउंडेशन तो पड़ा 2004 में ही अव्यक्तवाणी में कह दिया है। क्या बोला? तुम बच्चे नई दुनिया में जाना आना करते हो या नहीं करते हो? तो फाउंडेशन पड़ा या नई दुनिया का उद्घाटन हुआ? फाउंडेशन पड़ा। ये तो नहीं कहेंगे कि नई दुनिया स्थापन हो गई। हाँ, होनी है। जब नई दुनिया स्थापन होगी तो मन जो 11वीं इंद्रिय है वो बुद्धि के पूरे ही कंट्रोल में आ जाएगा। बुद्धि इंद्रियों से भी परे है, मन इंद्रियों से परे है और मन से भी परे बुद्धि है। और शिव बाबा बुद्धिमानों की भी बुद्धि है। तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो तीसरे नेत्र का पार्ट बजाने वाले में प्रवेश करके जो संकल्प करती है यज्ञ के आज से ही और अंत तक भी, जिसके लिए कहा जाता है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा, मेरे मन में समा जा, इसके मन में नहीं, तेरे मन में समा जा, ऐसे भी नहीं कहा। क्या? मेरे मन में समा जा। तो ये मेरा कौन है? हैं? प्रकृति मेरा है, हैं? अरे मेरा कोई तो होगा। मेरा कहा या मेरी कहा? मेरा माना पुरुष है या स्त्री है? हैं? पुरुष है, पुरुष रूप धारण किया है और वो पुरुष मन रूपी ब्रह्मा को कंट्रोल करने वाला हो, ऐसा मेरा है। मेरा है तो कैसा मेरा है? जो मन को पूरा कंट्रोल करने वाला हो। जैसे झाड़ के चित्र में झाड़ के ऊपर शंकर को बैठाया है, क्या कर रहा है? हैं? खुद भी आत्मिक स्थिति में है और दूसरी आत्माओं को भी आत्मिक स्थिति की ओर खींच रहा है। जो बाबा ने मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो बोलने वाला सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु है, उसके नयन होते हैं साकार में होते हैं, तो कैसे बैठा के ले जाए? हाँ, जो शंकर है, शंकर नाम रूपधारी है, जिसमें तीन आत्माओं का संकरण होता है पुरुषार्थ जीवन में, उसके द्वारा तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाता है। तुम बच्चों को माने किन किन बच्चों को? हैं?
जो भी सतयुग के आदि में आने वाले बच्चे हैं उन सब को, चाहे वो राम हो, राम जैसी आत्माएं हो, कृष्ण हो या कृष्ण जैसी आत्माएं हो, उनको आत्मिक स्थिति में खींचता है, उसको कहते हैं मनमना भाव। और कोई संकल्प न हो, मनमना भव, मेरे मन में समा जा, मेरे मन में समा जा। अगर कोई कहे कि भगवान का प्रैक्टिकल रूप तो शंकर है और शंकर भगवान का प्रैक्टिकल रूप है, तो उसका शरीर भी है, उसकी मूर्ति बनती है या नहीं बनती है, है? उस मूर्ति की भी पूजा होती है या नहीं होती है, होती है, तो उसमें समा जाए उसकी याद में। तो है तो मनमाना भाव नहीं होगा, है? होगा या नहीं होगा, होगा। अच्छा, कृष्ण की जो आत्मा है वो शिव की याद में, शिव ज्योति बिंदु की याद में अंत समय में डूब जाएगी या साकार में निराकार की याद में डूब जाएगी? हैं? साकार में निराकार की याद में डूब जाएगी, शिव की याद में डूब जाएगी। शिव किसे कहा जाता है, शंकर किसे कहा जाता है, अंतर है या नहीं है? हैं? अंतर है। क्या अंतर है? शिव सिर्फ बिंदु का नाम है और शंकर उस शरीरधारी मूर्ति का नाम है, चैतन्य मूर्ति का नाम है, जिसमें तीन आत्माओं का संकरण होता है, राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा और शिव वाली आत्मा। और कहने वाला कह रहा है मनमना भव, ये कहने वाला भगवान है या तीन मूर्तिधारी आत्माओं में से कोई है? हैं? जो तीन मूर्तियों वाली आत्माएं हैं, जिनकी तीन मूर्तियां हैं, जिन्होंने मूर्त रूप धारण किया है, वो कहने वाली है मनमना भव या सिर्फ ज्योतिबिंदु शिव की आत्मा कहने वाली है मनमना भव? है शिव की आत्मा है, कहती तो साकार के मुख से ही है, बिना मुख के तो कहेगी नहीं, कहती है मनमना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसका मन कौन हुआ? जो फर्स्ट मन है वो प्रजापिता ही हुआ ना, ब्रह्मा तो है लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक ही है। उसका मन क्या है, है? अरे अभी मनमना भव की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? है? अरे चुप हो गए, है? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं मनमना भव की प्रैक्टिस, वो रंग कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं? है? अरे मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समा जा। तो मेरा कौन है जो कहने वाला है मेरा? किसने कहा? शिव ने कहा।
और उस कहने वाले शिव का जो मेरा है वो कौन है? प्रजापिता। उसमें समाजा, तो प्रजापिता में शिव भी है और पतित आत्मा प्रजापिता भी है ना? तो उसमें समाये रहे हैं। किसमें समाये रहे हैं? शिव में। सिर्फ बिंदु की याद करते हैं। अरे शिव सिर्फ बुद्धि जो है वो शिव की याद में डूबती है, बिंदु की याद में डूबती है, या साकार में निराकार की याद में डूबती है? है साकार में निराकार की याद में डूबती है। तो रिजल्ट क्या हुआ? मन मना भव जो प्रैक्टिस हो रही है वो 100% राइटियस है या कुछ कुछ अनराइटियस भी है? अरे राइटियस है या नहीं है? राइटियस है। माना शंकर रूपधारी जो आत्मा है जिसके लिए कहा मेरा, वो मेरा संपन्न है? फिर वो संपन्न है नहीं? अच्छा मेरा संपन्न नहीं है, फिर उसमें जो प्रवेश है वो तो संपन्न है, ये तो नहीं कहा कि साकार में समा जा? कहा नहीं। क्या कहा? मेरे मन में समा जा। तो शिव बाबा का मन कहो, शिव बाबा का दिल कहो, दिलवाड़ा कहा जाता है ना, तो कौन है? प्रजापिता है ना। तो शिव बाबा का दिल जो है वो शिव बाबा का दिल जैसा होगा याद करने वाले भी तो वैसे ही बनेंगे। क्यों ऊंचे बन जाएंगे? अरे बताओ हैं? ऊंचे बन जाएंगे? क्यों नहीं बन जाएंगे? प्रयास करेंगे तो ऊंचे नहीं बन सकते? अरे क्यों नहीं बन सकते? पुरुषार्थ करने से क्या नहीं हो सकता? हैं? शिव समान? और शिव समान बनने के लिए कहां कहा? मन मना भव मेरे मन में समा जा, अर्थात जो परम ब्रह्म टाइटलधारी है वो कौन है? प्रजापिता संपन्न स्टेज में या अधूरी स्टेज में? है? अच्छा अधूरी स्टेज में ब्रह्मा नहीं है? अरे वो ब्रह्म है या नहीं है? ब्रह्मा है या नहीं है? और ब्रह्मा अधूरा होता है या संपूर्ण होता है? है? अधूरा होता है। लेकिन जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी है या नहीं है? है? तो परम पार्टधारी जो है उसके वाइब्रेशन में अगर हम डूब जाएंगे, मना मन मना भव हुए या नहीं हुए? है? बस मन मना भव हुए। जो भी मन मना भव हैं उनको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? जो साकार में निराकार आया हुआ है उसके संग का रंग तो लगेगा ना। तो जैसी उसकी स्थिति होगी वैसी हमारी भी स्थिति बनेगी, स्टेज बनेगी।